ये है HP का 790 इंक टैंक प्रिंटर। इसमें हम ऑटो डुप्लेक्स फीचर, मतलब पेपर के दोनों साइड प्रिंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए मेरे पास दो सैम्पल पेपर्स हैं, जिसकी एक तरफ लिखा है सैम्पल पेपर, दूसरी तरफ लिखा है टेस्ट पेपर। अब मैं इस सैम्पल पेपर को ऊपर वाली ट्रे में डालता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाके कॉपी में पहले वो फीचर ऑन करना पड़ेगा, ADF फीचर। सो इसके लिए साइड्स में जाकर डबल साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द पेपर यू वांट टू प्रिंट, और इसमें जाके आप कॉपी बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए, आप ये अंदर जा रहा है पेपर। दूसरा पेपर फटाफट तैयार रखिए और ये भी इसके अंदर हाथों हाथ डाल दीजिए, ताकि ये भी इसको भी अंदर खींच ले। ये देखिए, अब ये भी अंदर जाने लगा है और नीचे से पहला वाला प्रिंट तो आ गया है। अब देखते हैं वो दूसरा वाला खींच के भी अंदर प्रिंट करता है कि नहीं। वो भी, उसको भी अंदर ले जा चुका है ये। अभी इस पेपर को ये शायद अंदर खींचेगा, देखते हैं। तो इसने इसको भी अंदर खींच लिया है और अब इसके शायद पीछे की तरफ ये प्रिंट करने वाला है, क्योंकि दोनों पेपर बाहर आ चुके हैं। यही है और ADF फीचर इसका। अभी आप देखिए, तो एक तरफ आ गया है टेस्ट पेपर, एक तरफ आ गया है सैम्पल पेपर। बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया है ऑटो डुप्लेक्स फीचर ने। सो यही है कि इसका बेहतरीन फीचर। थैंक यू।